तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि ई श्रम कार्ड के लिए जो भी अप्लाई कर चुके हैं और जिनका भी बन चुका है तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। अगर आपका ई श्रम कार्ड जो कि घर पर आ चुका है, बनकर आ चुका है, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसमें बहुत सारे अलग अलग वैकेंसी भी बहुत सारे जो कि आए हैं और बहुत सारे इसमें आपको काम मिलेगा। अगर आप ई श्रम कार्ड बनवा चुके हैं और आप मनरेगा कार्ड अभी तक बना नहीं है, अगर वो बनवाना चाहते हैं तो आपका जल्द ही बन जाएगा। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कि अब ई श्रम कार्ड से डायरेक्टली आप ई श्रम कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई इसके आपको भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो उससे आप डायरेक्टली अब ई श्रम आपके पास है तो आप डायरेक्टली मनरेगा जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको उसमें बहुत सारे काम मिल सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मनरेगा जॉब कार्ड है उसमें बहुत सारे अनेक काम रहती है, अनेक आपको काम दिया जाता है। क्योंकि आपको दिहाड़ी उसमें 500 400 करके बहुत सारे अलग जैसे जैसे काम होती है वैसे वैसे का आपको वहाँ आपको पैसा दिया जाता है। तो अगर आप ई श्रम कार्ड से आप डायरेक्टली मनरेगा जॉब कार्ड में जाना चाहते हैं, जॉब ई श्रम बनवाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत खुशखबरी उसकी और बहुत सारे अनेक फैसिलिटी उसमें आपको दिया जा रहा है और बहुत सारे इसमें वैकेंसी खुल कर आया है। तो चलिए हम चलते हैं मेन पेज पर और ऑफिशियल वेबसाइट पर। कोई ब्राउजर खोल लेना है और उसमें लिखना ई श्रम कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट, डायरेक्टली खुल कर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये भारत सरकार का ऑफिशियल मेन पेज है। आपको यहीं पर आ जाना है और आकर इसको इसी पर आकर और यहाँ से आपको जो कि इस पर क्लिक कर देना है। ये जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, भारत सरकार का मेन पेज है, ये इस पर हम ओपन कर देंगे। अब ओपन करने के बाद ये बहुत सारे आ जाते हैं। तो देखिए हम इसको क्या करते हैं जो कि डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे। अब हम जिस ही डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं तो आपको सारा ये टोटली अच्छी तरह से दिख जाएंगे। अब देख सकते हैं ये ई श्रम कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाती है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। इसमें आपको बहुत सारे रोजगार मिल जाते हैं अलग अलग, आप जिनमें जिनके आपके घर में हैं सारे चीज़ आपको सुविधाएँ मिलेंगे। जो भी इसमें काम करना चाहता है तो आप उन्हें मिल सकता है अलग अलग। आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, आप इस मौका को ना गवाएं। देख सकते हैं लुकिंग ट्रेनिंग आपको मिल जाती है, लुकिंग फॉर्म ऑपरेटर के भी आपको काम मिल जाती है, लुकिंग फॉर्म जॉब। यहाँ आपको बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज में आपको आया हुआ है। ये इसमें कोई आपको जो कि नहीं देना है, आपको डिग्री वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ मनरेगा जॉब कार्ड होना चाहिए। देख सकते हैं टेस्टमेंट फ्रॉम द वेजियन इन गवर्नमेंट वर्किंग हाउ गेट बेनिफिशरी बाई रजिस्ट्रेशन टू द पोर्टल एंड वैलिड स्कॉलरशिप रिसेंट डिपार्टमेंट एंड एक्टिवेट विथ रिस्पेक्ट टू द इस शर्म पोर्टल एंड एलिड, ये आपको मिल जाती है। इसमें आपको बहुत सारे अनेक काम आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब इसे हम अप्लाई कैसे करेंगे, यानी हम जॉब अगर मनरेगा जॉब के लिए हम इसमें काम कैसे ले सकते हैं। यहाँ से एक फॉर्म आपको खुल कर आती है, इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। जैसे उस फॉर्म को आपको कहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ आपको मिल जाती है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा, फिर इस पर क्लिक करना होगा, आपको एक फॉर्म खुलकर आ जाएगी। थोड़ी सी वेबसाइट स्लो है तो थोड़ा सा हमें वेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आप उस फॉर्म को फिलअप करके और आप जमा कर सकते हैं अपने ब्लॉक में देती है। आपको यहाँ सारा चीज़ आपको फिल करना है, पिता माता, अपना नाम, गांव का नाम, एड्रेस, पिन कोड, सारे चीज़ आपको फिल करके और इस आपको आपके ब्लॉक में या आपके डीओ साहब होते हैं वहाँ आप जाकर जमा कर सकते हैं सीओ के पास। आपका फाइनली जो कि ये इस श्रम कार्ड से मनरेगा जॉब कार्ड में बहुत सारे अलग अलग काम मिल सकते हैं, बहुत सारे अलग अपने घर में किसी फैमिली में या किसी भी बच्चे और बच्चिया को दोनों को इसमें आप भर्ती कर सकते हैं, यानी इन्हें
जॉब करा सकते हैं। बहुत सारा इसमें आपको बेनिफिट है, बहुत सारा आपको लाभ मिलने वाली है, हर चीज़ में आपको सुविधा मिलेगी। तो हमारी दी जानकारी अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।